देना चाहूंगा कि आपने हम सब लोगों को मौका दिया और बीसी के तहत आप हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो मेरे बांदीकुई क्षेत्र में सर भगवान की दया से अभी तक कोई भी एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है और मेरे वहां का लोकल प्रशासन और कलेक्टर और एसपी सब ठीक से काम कर रहे हैं। हमने वहां पे राम रसोई करके व्यक्तिगत रूप से मैंने शुरू किया, करीब 35,000 पैकेट हमने वहां लोगों को बांट दिए व्यक्तिगत रूप से। इसके अलावा मेरा जो एमएलए कोटा का फंड था उसमें से 5,000 पैकेट हमने अलग से बांटे, 4,000 हमने इसमें पंचायत समिति क्षेत्र में और 1,000 हमने म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में बांटे हैं। इसके अलावा हमारे जो भामाशाह थे उनसे हमने करीब 5,000 पैकेट अलग से बंटवा दिए। अब जो वहाँ समस्या मुख्य समस्या है सर, एक तो वहाँ से बाहर से आने वाले बहुत लोग रजिस्टर्ड हैं, तो मेरा कहना यह है कि जब वो बाहर से लोग आएंगे, करीब 5,000 लोग वहाँ से मेरी अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर से आने वाले, तो मैं कहता हूँ कि जो पंचायत लेवल पे हम लोगों को वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाने ही पड़ेंगे। अगर हम लोग उनको नहीं ठीक से रख पाए तो इसको फैलने के चांस होंगे। और उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली से आने वाले, करीब 5,000 में से 4,000 लोग ऐसे जो दिल्ली से ही आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत लेवल पे हम लोग व्यवस्था करें कि वो सबके सब लोग पंचायत लेवल पे ही वहीं क्वारंटाइन सेंटर में रह जाएं। इसके अलावा सर अभी जो नरेगा में एक समस्या आ रही है, नरेगा में जब वो लोग आएंगे तो हमें नए जॉब कार्ड बनाने के लिए लिबरल तरीके से ये निर्देश देने चाहिए कि जो भी आदमी नरेगा में जॉब कार्ड